Students, today's topic is conversion of NDFA to DFA. This is our sixth lecture in the talk videos. अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में डिजाइनिंग सीखी थी कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं अगर आपको कोई भी कंडीशन दी जाए, राइट? गाइस प्लीज फॉलो माय चैनल. आप अगर टॉक की प्लेलिस्ट देखेंगे तो अभी तक ये छठा लेक्चर है और इसके अंदर हमने NDFA टू DFA की कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, राइट? आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि NDFA के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको कोई भी NDFA दिया जाए आप उसका इक्वलेंट FA बना सकते हैं, यानी कि DFA बना सकते हैं, और दोनों की पावर भी क्या होगी, हमेशा सेम होगी, राइट? अभी एक आप अगर एग्जांपल देखें तो मैंने एक एग्जांपल में एक NDFA लिया और कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है. पहली बात तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको जो भी NDFA दिया गया आप उस NDFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे डायग्राम को देख के, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को स्कैन करना है. यहाँ पे सेट के अंदर मैंने क्यू नॉट और क्यू वन लिखा है. क्यों? क्योंकि क्यू नॉट से अगर बी आए तो वो क्यू वन पे भी जा सकता है और क्यू नॉट पे भी रह सकता है, तो दोनों ऑप्शन है. अब ये है NDFA. अब सेम चीज़ आप DFA के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको जो भी फर्स्ट लाइन है उसको एज इट इज आप क्या करोगे, DFA के अंदर लिखोगे. ये आपका NFA का टेबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम DFA का टेबल बनाएंगे, राइट? तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे. फर्स्टली यहाँ पे हमने क्या ब्रैकेट लगाई है, कर्ली ब्रैकेट, मतलब टू डिनोट कि इट्स अ सेट. बट हेयर विल यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये अपने आप में एक स्टेट है, ये एक स्टेट है क्यू नॉट क्यू वन. उसका नाम ही हमने इस तरह रखा है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें फर्दर. अब फर्स्ट लाइन को आप स्कैन करोगे, इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जो अभी तक आपने डिफाइन नहीं करी है. अभी तक हमने क्यू नॉट डिफाइन ऑलरेडी कर लिए, नेक्स्ट इज व्हाट, क्यू नॉट क्यू वन. अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू नॉट और क्यू वन विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स. रिमेंबर दिस इज वन स्टेट, दो स्टेट्स नहीं है, बट अगर आप इसकी बात करें तो ये दो स्टेट्स हैं, राइट? अब क्यू नॉट क्यू वन को आप देखेंगे NFA के टेबल में. क्यू नॉट में अगर ए आए तो क्या आएगा, क्यू नॉट. क्यू वन पे ए पे देखोगे तो क्या आएगा, नल. तो आपको इन दोनों को क्या, यूनियन करके लिखना है, और क्यू नॉट यूनियन नल विल बी नथिंग बट क्यू नॉट इट्सेल्फ. अब सिमिलरली आप बी के लिए देखेंगे, क्योंकि हम क्यू नॉट क्यू वन स्टेट का चेकआउट कर रहे हैं, तो इन दोनों पे बी क्या आएगा वो चेक करना है. क्यू नॉट पे बी है क्यू नॉट क्यू वन, और क्यू वन पे बी क्या है, क्यू टू. तो यहाँ पे आपका आएगा क्यू नॉट क्यू वन कॉमा क्यू टू, राइट? अब अगर हम चेक करें, क्यू नॉट को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ये एक नई स्टेट है जिसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं करा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू के लिए ए इनपुट पे क्या आएगा, क्यू नॉट नल और नल, राइट? तो इन तीनों का यूनियन क्या होगा, क्यू नॉट नथिंग एल्स. अब क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू के लिए बी इनपुट पे क्या आएगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू और नल. तो अगर इन चारों को भी अगर हम यूनियन करें तो क्या आएगा, द स्टेट इटसेल्फ. अब क्यू नॉट को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज़ अ न्यू स्टेट, इसको भी हम डिफाइन कर चुके हैं इसी स्टेप के अंदर. जब आपका वो स्टेप आ जाए कि आपकी जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं वो सारी, यानी कि इस पूरे बॉक्स के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी डिफाइन ऑलरेडी आप कर चुके हो, एट दैट टाइम आप स्टॉप करोगे. ये आपका कंप्लीट DFA जो कि कन्वर्टेड है फ्रॉम दिस गिवन NFA, राइट? अब इसी DFA से हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे. अब डायग्राम कैसे क्रिएट करनी है वो आपको पता है, टेबल को देख के आपने ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनानी है, इट्स द सेम प्रोसीजर. बट बिफोर दैट, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ ड्राइंग, मैं इस स्टेट को नाम दे रही हूँ ए, और इस स्टेट को हम नाम दे रहे हैं लेट्स से बी. आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू. स्टूडेंट्स, अभी हमारे DFA के अंदर हमारे पास तीन स्टेट है, क्यू नॉट, ए स्टेट और बी स्टेट, और इस टेबल को देख के हम उसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे. सॉरी फॉर दिस, इट वॉज नथिंग बट अ मिस्टेक. पहली स्टेट हमें दी गई है क्यू नॉट, ठीक? क्यू नॉट पे अगर ए आए तो क्यू नॉट इट्सेल्फ, अगर बी आए तो यू विल बी मूविंग टू व्हाट, स्टेट ए. ए स्टेट पे अगर ए आए तो यू विल बी मूविंग टू क्यू नॉट, अगर बी आए तो
जो आपकी नई स्टेट हमने बनाई है स्टेट बी उस पे जाएगा। अब बी से अगर ए आए तो यू विल बी मूविंग टू व्हाट, क्यू नॉट अगेन। और बी पे अगर स्मॉल बी आए तो द स्टेट इटसेल्फ, दिस इज़ अ इक्वलेंट डी एफ ए टू द गिवन एन एफ ए, राइट। दिस इज़ अ कम्प्लीट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम अगर आपको कन्वर्जन ऑफ एन डी एफ ए टू डी एफ ए दिया जाए। सबसे पहले एन एफ ए का टेबल बनाएंगे, उस एन एफ ए के टेबल से आप डी एफ ए का टेबल बनाएंगे, उसके बाद इस डी एफ ए से आप क्या करेंगे, पूरा ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, राइट। दिस वॉज इट फॉर द लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई वीडियोज़।